हथियार है सुशांत के, उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सीबीआई से हम लोग उम्मीद रखे कि जल्दी से जल्दी सीबीआई अपडेट दे हम लोगों को कि शांति मिले। इतने दिन से 10 महीने होने वाले हैं, अभी तक जस्टिस नहीं मिला। अब जब तक लड़ते रहूंगी, जस्टिस जब तक ना मिलेगा तब तक आऊंगी, ना थकूंगी ना झुकूंगी। तो हमारी जो मांग सीबीआई से वो यही है कि जब एनसीबी काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, एनआईए काम कर रही है, तो आप भी जवाब दीजिए। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। आज हम आए हैं जंतर मंतर पर, मिलेंगे हम सुशांत सिंह राजपूत के समर्थकों से। यहां ये लोग जुड़े हुए हैं, यहां ये लोग गुहार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द न्याय मिले, फास्ट फॉरवर्ड में केस जाए। 6 महीने से ज्यादा अधिक समय हो चुका है जहां बार बार केस को घुमाया जा रहा है, इधर उधर किया जा रहा है, लेकिन अब तक न्याय मिलने का नाम ही नहीं है। जांच कब से जारी है लेकिन उसके बाद भी फास्ट फॉरवर्ड केस नहीं हो रहा है। कब से ही ये मामला लटकता जा रहा है और लोग यहां गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। इसी के साथ साथ उनकी जो असिस्टेंट थी, आप देख सकते हैं यह तस्वीर भी लगी हुई है, उनके भी न्याय की मांग हो रही है क्योंकि उनके तार भी सीधा संपर्क में उनसे जुड़ रहे हैं। अगर बात की जाए पुलिस की भी, पुलिस प्रशासन की, सबसे गुहार लगा रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं लोग, सीबीआई से भी जाकर मांग कर रही है कि जल्द से जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत को, जो लोगों ने बहुत ज्यादा उनको प्रिय है, लोग उन्हें काफी फॉलो करते हैं, वो इतने अच्छे हैं, लोग उन्हें उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, उनके समर्थक अभी भी बैठे हुए हैं इसी आश में कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिले। उनका क्या कहना है, आइए सीधा जुड़ते हैं समर्थकों से और उनसे पूछते हैं कि उनकी मांगे क्या है और उनको क्या लगता है कब तक मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को न्याय। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि होम मिनिस्टर जो है उन्होंने भी ये कह दिया है और उन्होंने ये मान लिया है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर मिस्ट्री ही है। ये मर्डर मिस्ट्री कब हल होती है और उनके समर्थकों का क्या सोचना है, उनके समर्थकों की क्या मांग है और उनके समर्थक क्या चाहते हैं, आगे सीधा जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं मीनाक्षी जो बहुत बड़ी फैन है सुशांत सिंह राजपूत की। आपको, आप बार बार ये जो आप कर रहे हो या आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और आप एक श्रद्धांजलि दे रहे हो सुशांत सिंह राजपूत को, आपको क्या लगता है कब तक मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस? देखिए, ये तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो। ये जो सुशांत के फैन हैं, ऐसे सारे से हम लोग जो ये प्रोटेस्ट करते आए हैं, तो हमारी तो देखिए यही एक रिक्वेस्ट है सीबीआई से भी और सरकार से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जल्दी से जल्दी न्याय दो क्योंकि इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। सीबीआई एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसका कि एक उनके उनके बाएं हाथ का काम है ये, जिसके अगर वो ऐसे केसेस के लिए कि जबकि सबको पता है हमारे पूरे जो हम आम जनता है उसकी फोटोज देखो या उसके साथ जो हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ, तो जब आम पब्लिक को समझ में आ रहा है कि वो एक मर्डर है तो सीबीआई को क्यों इतना वक्त लग रहा है? तो ये हमारे जहन में भी एक क्वेश्चन है कि जल्दी से जल्दी न्याय होना चाहिए, सीबीआई को एक कुछ अपडेट देना चाहिए, या अगर वो जिस अपनी प्रोसीडिंग जहां तक पहुंचे एटलीस्ट वो तो बता सकते हैं कि क्या है। एक जनता, हम लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं शुरू से लेके आज तक, हमने देखा आप लोगों ने भी देखा है कि हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और जैसे कि आज 14 तारीख है, 9 महीने हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को, तो हम लोग उनको सिर्फ एक साइलेंट प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आज सिर्फ हम उन्हें एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हमारी आवाज़ दब चुकी है या हम खामोश हो चुके हैं। ये लड़ाई है जो हम सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर करते हैं और करते आएंगे, तो ये आवाज़ ऐसे ही बुलंद रहेगी। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि है। आपको क्या लगता है, क्योंकि अब की बार जो बोल सकते हैं होम मिनिस्टर हैं अनिल, उन्होंने भी कह दिया है, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, उन्होंने भी ये बोल दिया है कि एक मर्डर मिस्ट्री है और ये है, और बार बार जो सबूतों को बार बार अगर बोला जाए, अगर पॉलिटिक्स में लेके जाए, तो उद्धव ठाकरे जो बोल सकते हैं वहाँ जो जांच पड़ताल चल रही है, मुंबई पुलिस भी काफी भटकाते हुए दिख रही है, लेकिन अभी तक सबूतों को साथ में एक्शन लेते हुए दिख रही, तो आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, सारा जो इसका जिम्मा है वो महाराष्ट्र पुलिस को ही जाता है, क्योंकि अगर वो पहले ही उसकी छानबीन करती, क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड भी किया था तो एक मिस्ट्री थी ना, उनकी एक हैंगिंग पिक मिली है ना, ऐसा कुछ उनका सुसाइड नोट मिला था, तो उनको एक शक के दायरे में रखते हुए उनको एक मर्डर के एंगल से भी जांच करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सा एक उनकी बॉडी को उठाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अपने अमन से डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर शायद मुंबई पुलिस अच्छा काम कर पाती तो हमें सीबीआई को ये जांच ड्रॉप जो दी गई है वो नहीं सौंपी जाती। तो जहां तक कि ये जो पूरा हम ब्लेम पूरा इवन भारत की जनता के, जो वर्ल्ड वाइड ये हमारी लड़ाई छिड़ी हुई है, तो ये सारा हमारा जो ब्लेम है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि इवन एवरीबडी नोज कि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है जो कि सबको पता है। अब कहीं ना कहीं उन नामों को दबाया जा रहा है या उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, ये तो अब वो लोग ही जानते हैं, लेकिन जहां तक हमें पता है कि हमारा जो है हमारा एक ही ब्लेम रहेगा कि महाराष्ट्र पुलिस ने अगर इसमें अच्छी कार्रवाई की होती, सही कार्रवाई की होती, तो शायद सीबीआई को ये जांच ना दी जाती और अब तक शायद कुछ ना कुछ सुशांत का हो चुका होता, जस्टिस वगैरह मिल चुका होता। जस्टिस की बात करें तो यहां दिशा सालियान जो उनकी असिस्टेंट थी और उनके साथ उनके तार जुड़े थे, उनकी भी आप बात करें तो आप बताएंगे कि कैसे आप दिशा सालियान, क्योंकि उन्होंने तो सुसाइड की थी ये साफ दिखाया गया, उसकी कैसे तार जोड़ते हुए दिखा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत से? तो फर्स्ट, इसका पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि
कहीं ना कहीं दिशा के जो मर्डर से जो तार जुड़े हैं वो सुशांत के मर्डर से ही है, दोनों का कनेक्शन है। बिकॉज आप देखिए, क्योंकि ये हमें नहीं पता है, जो महाराष्ट्र के हॉस्पिटल ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी दिशा साल्यान की, उसमें देखा गया कि उसकी बॉडी न्यूड पाई गई है। ये हमारी रिपोर्ट तो नहीं थी, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट थी। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है ना कि कोई भी, मुझे नहीं लगता आज तक हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हम लोगों ने इतने सुसाइड्स देखे हैं, पर कहीं पे भी ऐसा नहीं पाया गया कि कोई लड़की एक न्यूड अपने कपड़े उतार के वो सुसाइड करती है। तो पहला पॉइंट तो यही बनता था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए कि भाई उस लड़की के बॉडी पे कपड़े क्यों नहीं थे, उस क्या उनको उस रिपोर्ट के बिहाफ पे कड़ी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट हर तरह से चुप थी, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं वहाँ के जो बड़े बड़े लोगों के नाम है। देखिए, हम आम जनता है, हमें कोई डर नहीं है, जहाँ तक कि सबको पता है इसमें। लेकिन मैं उनको ये बात बोलना चाहूँगी, देखिए रावण बहुत बलवान था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर इतनी अच्छाई थी, पर उसकी एक बुराई के कारण उसका भी भगवान को जन्म लेना पड़ा था नाश करने के लिए। तो आप लोग पैसे की ताकत से इतने ताकतवर मत बनिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप सच्चाई को नोटों से उसकी ताकत से दबा देंगे, तो ये प्लीज़ गलत है, मत सोचिए। क्योंकि ये ऊपर वाले की ही कृपा है, जो आज पूरा जो दुनिया है वो सुशांत के जस्टिस की मांग कर रही है। और अगर वो लोग ये सोचते हैं कि एक साल दो साल नहीं, जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिलेगा, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, हम लोग ऐसे ही फाइट करते रहेंगे और ये न्याय की लड़ाई रुकेगी नहीं। इस न्याय की लड़ाई में जो आप लोगों ने एक सराहनीय कदम उठाया है और आप जस्टिस की मांग कर रहे हो फॉर सुशांत सिंह राजपूत, क्या आप लोगों से कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे? मेरी सबसे पहले हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, कि देखिए लोग हमसे जुड़ते हैं, भले ही ट्विटर पे हमें सपोर्ट करते हैं या डिजिटल प्रोटेस्ट पे हमें करते हैं वो अपनी तरफ से, लेकिन देखिए जब तक आप ग्राउंड पे नहीं आएंगे, आप अपनी बातों को नहीं रखेंगे, आप एक भारी मात्रा में हमारे साथ नहीं आएंगे, तो शायद ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। क्योंकि देखिए हम लोग लड़ रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन जितना हमसे हो पाता है हम करते हैं। लेकिन हाँ, हमें भी सपोर्ट चाहिए कि जिस तरह से आपने देखा होगा किसानों का कितना बड़ा आंदोलन हुआ था और सरकार को भी कहीं ना कहीं उनसे बात करनी पड़ गई थी, तो इसी तरह से प्लीज़ सड़कों पर उतरिए, हमारा साथ दीजिए, कहीं ना कहीं सरकार मजबूर हो जाए हमसे पूछने के लिए। आप हमेशा सुनते हैं हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी जी से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि हम आपके मन की बात सुनते हैं, तो प्लीज़ इस जनता के मन की बात सुनिए, सुशांत के फैंस की बात सुनिए, ऐसे सारे की बात सुनिए। जो उस इंसान के साथ हुआ है वो सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है। तो प्लीज़ आप अपना एक पूरा इस जनता की बातों को सुनिए और हमारा न्याय में जो न्याय मिलना चाहिए उसमें हमारा सहयोग दीजिए। आपका नाम? जी मैं अलोखा बोस हूँ। आप क्या कहेंगे सुशांत सिंह राजपूत को, कब तक मिल पाएगा न्याय? मैम ऐसा है, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो आई होप कि जून तक या फिर मई एंड तक मतलब कुछ ना कुछ तो होगा खुलासा। अभी सीबीआई अपनी ही इज टेकिंग हिज टाइम, बट क्या कह सकते कि वी आर नॉट होपलेस, वी आर होपफुल। आई मीन गॉड इज सीइंग एवरीथिंग, एवरीबडी इज सीइंग एवरीथिंग। मर्डर मिस्ट्री का जिम्मेदार डायरेक्ट आप क्या मानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का? बॉलीवुड है, उनके साथ जो मतलब जो ठाकरे गवर्नमेंट है पूरा मैनिपुलेटेड है, और जो मुंबई जो पुलिस है वो तो मेन जो कल्प्रिट्स है, तीन लोग हैं यही है, मतलब जो मुंबई पुलिस वाले हैं, फिर जो उद्धव ठाकरे की जो गवर्नमेंट है, और दोषियों को क्या सजा होनी चाहिए, जो मतलब जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं पूरे के पूरे खान्स जो है मेनली, और उनको सज़ा तो ऐसा मिले कि ओपन मतलब जो पब्लिक के सामने हो वो हो, मतलब बुरा से बुरा मतलब जो है सज़ा मिले उनको। मुझे जैस आप क्या कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है, उसके लिए आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या उम्मीद में कैंडल मार्च कर रहे हैं? देखिए हम शुरू से फाइट कर रहे हैं, जो भी है जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं सारे अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हाँ सुशांत के लिए हमें जो अभी उम्मीद जग रही है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसी हमारे उम्मीदें भी हो रही है कि हाँ अब रिजल्ट हमें मिल रहा है, क्योंकि अभी हमने देखी थी रिपोर्ट, अभी रिया के लिए कुछ आया है, तो हम उम्मीद यही करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि SSR को न्याय जरूर मिलेगा। आपका नाम? स्वीटी। यहाँ आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, उससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को, क्या लगता है कब तक मिल पाएगा सुशांत सिंह राजपूत को न्याय? मैम न्याय जब भी मिले, पर हम ये अपनी ये जो फाइट है इसको जारी रखना चाहेंगे, ताकि लोगों के दिमाग से ये बात निकल ना जाए कि सुशांत का जस्टिस अभी पेंडिंग है। तो हम लोगों का जो कर्म है वो हम करते रहेंगे, बाकी जस्टिस मिलना भगवान के हाथ में है। आपको क्या लगता है आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मैम आरोपियों को सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि कोई दोबारा ऐसी गलती ना करे।
मैम आप लोग यहाँ कैंडल मार्च कर रहे हो, श्रद्धांजलि दे रहे हो, आपको क्या उम्मीद है कि कब तक मिल पाएगा सुशांत सिंह राजपूत को न्याय? देखिए 9 महीने तो हो गए हैं और 9 महीने में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ इन द सेंस कि एक टाइम ऐसा था शायद जून जुलाई में जिस टाइम हम लोगों को ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि केस कभी सीबीआई के पास जाएगा। एक टाइम था जब 10 मिनट के अंदर सुशांत की बॉडी देख के वहाँ की अथॉरिटीज़ ने, वहाँ की पुलिस ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि सुसाइड है, बिना फॉरेंसिक जांच करवाए हुए, बिना सब कुछ कुछ भी चीज़ कराए हुए। लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल उठे, वहाँ की सरकार के ऊपर सवाल उठे, बिहार पुलिस इन्वॉल्व हुई और उसके बाद केस सीबीआई के पास गया है। एनसीबी इन्वॉल्व हुई, ईडी इन्वॉल्व हुई, एनआईए इन्वॉल्व हुई, शायद ही कोई ऐसा एक केस हो जो किसी एक एक्टर का, एक सुपरस्टार की डेथ का, जिसमें सारी बिगेस्ट एजेंसीज जो हैं हमारी वो सब इन्वॉल्व हो जाएं। ये एक सुशांत का केस एकमात्र केस है जिसमें सीबीआई से लेके एनसीबी से लेके ईडी एनआईए तक इन्वॉल्व हो गई है। और आप देखिए एनआईए एनसीबी ने तो अपना चार्जशीट लगा ही दी है, और रही बात सीबीआई की तो हमारी मांग वही है, इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चाहे हमने सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रोटेस्ट किया हो अभी 28 फरवरी को, उससे पहले हमने 29 दिसंबर को भी किया था, तो हमारी जो मांग सीबीआई से वो यही है कि जब एनसीबी काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, एनआईए काम कर रही है, तो आप भी जवाब दीजिए। उस टाइम हमारे दिसंबर में जो हमने प्रोटेस्ट किया था सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाद बाहर, तो उसके बाद मैं खुद गई थी वहाँ पर मेमोरेंडम देने के लिए, और वहाँ उन्होंने अगले दिन ही सुब्रमण्यम स्वामी जी को एक लेटर इशू किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम जाँच कर रहे हैं और उस जाँच में हम हर एंगल से कर रहे हैं, हमने कोई भी एंगल रूल आउट नहीं किया है, तो चाहे वो मर्डर हो या सुसाइड हो या उसके घर की, उसके लोगों की, उसके आसपास के लोगों, सब लोगों के हिसाब से वो जांच उनकी लगातार चल रही थी। हमें थोड़ी तसल्ली हुई थी कि सीबीआई का जितनी एक भ्रांतियां फैलाई गई थी, एक फेक न्यूज़ र्यूमर और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि सीबीआई ने अपनी केस बंद कर दिया है, चार्जशीट लगा दी है, सुसाइड कर दिया है, केस बंद कर दिया है, वो हमें तसल्ली हुई कि वैसा नहीं है। वो प्रूव हो गया था कि वो सिर्फ फेक पीआर है, जो पेड पीआर काम कर रहा है, जो बॉलीवुड गैंग का जो पीआर है वो काम कर रहा था, और ये हमें लोगों को डिस्करेज करने की कोशिश की जा रही थी कि केस बंद हो गया है। लेकिन सीबीआई के उस इन्फॉर्मेशन के बाद, लेटर के बाद 2 महीने हो गए हैं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम सिर्फ अभी तक वेट कर रहे हैं कि सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट आए। एनसीबी ने चार्जशीट लगा दी है, हम सीबीआई से एक्सपेक्ट करते हैं कि सीबीआई हमें ये बताए कि केस में कहां तक पहुंचे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीद है, दोषियों को क्या सजा होनी चाहिए और क्या मैसेज देंगे आप जनता को? देखिए दोषियों तो मर्डर की क्या सज़ा होती है, 302 लगता है, तो क्या सज़ा होती है, फांसी होती है और क्या होती है? अगर पब्लिकली होनी चाहिए या सिर्फ कोर्ट के तहत नॉर्मल है? वो उसमें मेरा बोलना सही नहीं है, वो जुडिशरी का काम है। लेकिन जिस तरीके की भी, अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक मर्डर नहीं है इन्वॉल्व, इसमें कई सारी चीज़ें और इन्वॉल्व हैं। सुशांत के साथ उसको चाहे ड्रग्स में पुश करना हो, उसके साथ नेपोटिज्म का भी खेल किया गया, उसको मेंटली हैरस और टॉर्चर भी किया गया, तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जो भी धाराएं लगती हैं उस हिसाब से उनको सजा दी जाए। 302 का तो सबको पता है कि फांसी होता है, और ग्रूसम मर्डर का जो होता है वो भी फांसी ही होती है। हमने अभी पहले देखे भी हैं, हमारी जुडिशरी ने बहुत बड़े बड़े ऐसे फैसले लिए हैं, चाहे वो निर्भया के केस में रहे हों या और भी केसेस रहे हैं जहां पर फांसी की सजा सुनाई गई है। तो हम भी यही चाहते हैं कि सुशांत जैसे टैलेंटेड लड़के के साथ जिस तरीके का दुभात किया गया वहां पर, उसको नजरअंदाज किया गया, उसे टॉर्चर मेंटली हैरेस किया गया, उसे लगातार इग्नोर कर दिया गया, और उसके साथ कोशिश पूरी ये करी गई कि वो काम नहीं मिले, उसे काम से निकाल दिया जाए, पब्लिकली मजाक उड़ाया गया, ये जितने भी नेपो किड्स हैं वो पब्लिकली उसका मजाक उड़ाते थे। तो हमारी कोशिश यही है कि 302 मिले, फांसी मिले, नाम सामने आए, कितने भी बड़े नाम हों, कितने भी बड़े हों, कितने भी पावरफुल लोग हैं, उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए जिससे कि उस तरीके के पावरफुल लोग फिर किसी अच्छे टैलेंटेड आउटसाइडर जो बच्चा वहाँ पर जाता है, काम करने जाता है, मेहनत करके अपना नाम कमाना चाहता है, उसके साथ फिर ऐसी हरकत ना करें। आप सुशांत सिंह राजपूत की फैन हैं, आपको क्या लगता है कब तक मिल पाएगा न्याय सुशांत सिंह राजपूत? तो कहते हैं सरकार से कि इतने दिन 9 महीने हो गए, 10 महीने होने वाले हैं, जस्टिस के लिए हम लोग आ रहे हैं परेशानी से, जस्टिस देना चाहिए सरकार, क्या आँख कान बंद करके थोड़ी ना बैठे हैं इस तरह कानून व्यवस्था के लिए। मतलब नंगन इतने बड़ा स्टार होकर हम लोग इतने दिन से आ रहे जस्टिस के लिए, सरकार पता नहीं क्या सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, फिर जस्टिस के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे, जब तक नहीं मिलेंगे जस्टिस तब तक हम लोग आते रहेंगे, ना झुकेंगे, ना थकेंगे, ना हारेंगे, हम लोग जस्टिस के लिए आते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, और जस्टिस देना होगा लेंगे, हम लोग लेकर ही छोड़ेंगे जस्टिस। आपको क्या लगता है शक के दायरे में आप किसको बोलेंगे, कौन है? जो भी है उनको फांसी का सजा होना चाहिए, गुनाहगार सामने आना चाहिए, जो ना भी हत्या किया उनको गुनाहगार सामने आना चाहिए, उनको फांसी की सजा होना चाहिए, 302 लगना चाहिए बस। आपका नाम?
मेरा नाम रुक्मणी है, मेरी 16 है। आप सुशांत सिंह राजपूत की बहुत बड़ी फैन है? जी हाँ, मैं सुशांत भैया के लिए स्टार्टिंग से ही जस्टिस की मांग कर रही हूँ, पर मैं सीबीआई से ये कहना चाहती हूँ कि तुरंत से तुरंत अपडेट दे सुशांत सिंह के बारे में, और मैं मतलब ये चाहती हूँ कि सुशांत भैया को जल्दी से जस्टिस मिले, ना तो हम रुकेंगे और ना ही कभी झुकेंगे, और ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं हो जाती। हथियार है सुशांत के, उनको फांसी की सजा होना चाहिए। सीबीआई से हम लोग उम्मीद रखे कि जल्दी से जल्दी सीबीआई अपडेट दे हम लोगों को कि शांति मिले, इतने दिन से 10 महीने होने वाले हैं, अभी तक जस्टिस नहीं मिला। अब जब तक लड़ते रहूंगी, जस्टिस जब तक ना मिलेगा तब तक आऊंगी, ना थकूंगी ना झुकूंगी। आप क्या बोलेंगे सुशांत सिंह राजपूत, 9 महीने से ज्यादा समय हो गया है, कब तक न्याय मिलने की उम्मीद है और कब अपडेट देंगे? सीबीआई का अपडेट कहीं नहीं आ रहा है और आप लोग यहाँ आप बोल सकते हैं आप कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ साथ श्रद्धांजलि। स्टार्टिंग से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, और एक बात बताऊँ, हम लोगों ने इसीलिए कर रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से जब से है उस तब से कर रहा हूँ, ये सब चीज़ अरेंजमेंट हमें लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें सीबीआई दफ्तर में 3-4 बार जा चुके, उन्होंने हमको लेटर दे रहे, लेकिन हमें उम्मीद कर रहे जल्दी जल्दी ये होगा, लेकिन होगा ज़रूर, लेकिन हम लोग को जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अभी आज तो हमारा कैंडल प्रोटेस्ट था, हमने नेक्स्ट बार सब नॉर्मल जो प्रोटेस्ट होती है ना वो हम जोश में करेंगे, वी वांट जस्टिस फॉर SSR वो दिया चलन हमें ये करेंगे। अभी जैसे हो रहा है इनकी तरफ से, मैं हम अभी कुछ और करने वाले हैं, आपको बता देते, आगे हमें लेटर देंगे, हम अमित शाह से मिलेंगे और मोदी के लिए वो भी पोस्ट करेंगे, तभी आगे कुछ बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे जो है जो बैठे हैं वो तो कुछ करने नहीं देंगे। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करेंगे, गृहमंत्री से मिलेंगे, हम कुछ लेटर लेके देंगे, कुछ आगे ये काम कर रहे हो। और मेडिकल जो एम्स का जो रिपोर्ट आई वो क्या आई, नेगेटिव आई कि पॉजिटिव आई, उसको क्यों होल्ड किया गया, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा। अब उसके बाद सीबीआई को, हमें सीबीआई को 2-3 लेटर देके रखे, लेटर हमको देने के बाद लेटर का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, हमने संडे को भी किया था, कितना बार जा चुके, अभी और भी जाएंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी अब तो ये मान चुके हैं कि ये एक सुसाइड मिस्ट्री है, तो आपको क्या लगता है कि अभी 9 महीने ज्यादा हो गए और कितना वक्त लगेगा ये मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए और कब मिलेगा न्याय? देखो ये मैं महाराष्ट्र सरकार कुछ बोलने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन मर्डर सबको पता, मर्डर ही मर्डर है, तो ये हमें महाराष्ट्र सरकार के बिना हम कुछ जा ही नहीं रहा। हम तो उनकी घर में होम में जाके हमने प्रोटेस्ट करे आई, सब कुछ कराए, और हमें ये वो कहने से मर्डर मर्डर, आपको पता, हमको भी पता, सबको, बच्चा बच्चे को मर्डर मर्डर है, तो इसे कितना भी छुपा लो छुपेगा नहीं, आज नहीं तो कल। अभी अभी जैसे हो रहा है, NCB का चल रहा है, ED का चल रहा है, सब कुछ कुछ ऑटोमेटिक आ ही जाएगी और बिल्कुल ज़रूर आएगी। और हमें यही कह रहे हैं, हमें मोदी जी से हमारा भी आगे वाला जो स्टेप होगी कुछ हम जाएंगे, लेटर फेटर मोदी जी को देंगे अभी तो, और अमित शाह को देंगे, ठीक है, ओके। आपका नाम? मेरा नाम पवन डोगरा जी। आप क्या बोलेंगे, कब तक मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत को न्याय? देखो जी, सुशांत सिंह राजपूत जी को न्याय मिलना ही चाहिए और जल्दी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जब तक मैं चाहता हूँ कि सारी देश की जो जनता है, जो बेचारे जो पसंद करते हैं इनको एक्टिंग के थ्रू, तो वो सब इकट्ठे होकर के न्याय के लिए गुहार करें और प्रेशर डालें, सीबीआई पे प्रेशर डालें, सरकार पे प्रेशर डालें, ताकि उनको न्याय मिल सके। एक हिंदू जो ये चढ़ रहे थे उनको दबाया गया है, फिल्मिंग होती है तो इसलिए जो भी हिंदू चढ़ रहे हैं उन पर दबाव डाला जाता है, उनको मरवाया जाता है, ठीक है, ये प्रूफ है, सारे प्रूफ है। सुशांत सिंह राजपूत को कब तक मिलेगा न्याय, क्या लगता है? जी न्याय कब तक मिलेगा ये तो जवाब ना मोदी जी दे सकते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट दे सकती है हमें, क्योंकि जितना ढीला हमारे यहाँ का न्याय प्रणाली है, हमें नहीं लगता कि जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं उस हिसाब से सुशांत को न्याय मिलेगा जल्दी। लेकिन हम जब तक न्याय नहीं ले लेंगे, छीन के लेना पड़े हम छीन के लेंगे, तब तक हम इस मुहिम को छोड़ेंगे नहीं। सुशांत लोगों के लिए एक नाम हो सकता है, स्टार हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए वो एक एहसास है, वो ऐसा एहसास है जो हमारे साथ रहेगा तब तक जब तक हम सांसें ले रहे हैं, और जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिल जाता ये तब तक चलेगा भी।